गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साध संगत जी, ऐसा क्या होता है कि बाबा जी एक टांग वाले पकड़े को अपने गले से लगा लेते हैं? साध संगत जी, ये जो घटना है एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक बार बाबा जी और जो ड्राइवर जी कहीं जा रहे थे तो रास्ते में बाबा जी बहुत सारी भेड़ बकरियाँ देखते हैं। उनमें से एक बकरी देखते हैं जिसकी एक ही टांग होती है, जिसे देखकर बाबा जी बहुत ही दुखी होते हैं और कहते हैं कि इसकी एक ही टांग है। तो ड्राइवर जी कहते हैं कि हाँ जी बाबा जी, इसकी एक ही टांग है। बाबा जी कहते हैं वो क्यों? तो ड्राइवर जी कहते हैं बाबा जी मुझे नहीं पता। तो बाबा जी गाड़ी से उतरते हैं, उस भेड़ वाले को कहते हैं कि इसकी एक टांग क्यों है? तो वो जो भेड़ वाला था वो कहता है कि ये जो है बकरी थी, और ये जो बकरी थी एक दिन ऐसे ही एक गाड़ी के नीचे आ गई, जिस कारण इसकी जान तो बच गई लेकिन इसकी बाकी टांगें जो थी वह जो कट गई, जिस कारण अब इसकी एक ही टांग है। और तब बाबा जी उस बकरी को अपने हाथों में उठाते हैं और उसे गले से लगा लेते हैं। बाबा जी कहते हैं कि तू कितना दर्द सह रही है, तेरे को ये योनि मिलकर तूने बहुत दर्द सहा है, अब तुझे इस योनि में और नहीं रहना पड़ेगा। तो सास संगत जी, जब बाबा जी ने उसे अपने गले से लगाया तो उसने उसी समय अपनी आँखों को बंद कर लिया और कुछ समय बाद उस बकरी की मौत हो गई। तो सास संगत जी, ये नज़ारा देखकर वहाँ पर सब हैरान हो गए कि वो बकरी बाबा जी के ही डीक देख रही थी कि कब बाबा जी आएं और मुझे गले से लगाएं और मुझे इस योनि से मुक्ति दे। तब बाबा जी की आंखों में पानी आ जाता है और बाबा जी कहते हैं कि सबको कैसे कैसे कर्मों का फल भोगना पड़ता है, ये बेचारी भी अपने कर्मों का फल भोग रही थी जिस कारण इसकी ये हालत हो गई थी। और तब वह बकरी वाला कहता है कि आप तो मुझे सच्चे पुरुष लगते हो और इस बकरी को योनि से मुक्त कर दिया, ये बहुत दर्द सहन करती थी, ना कुछ खाती थी जब से इसकी टांगें टूटी है और ना ही कुछ पीती थी। तो सास संगत जी, ऐसे ही हैं बाबा जी, बाबा जी को किसी का दुख देखा नहीं जाता। तो ये रही मेरी आज की वीडियो, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए और सभी सास संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।